हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 जो प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक हम लोग मैथ में क्या देखेंगे, मॉक टेस्ट नंबर हमारा कौन सा है, 6 है। ठीक, कौन सा है, 6 है। ठीक, तो चलिए आइए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का 3 गुना तीसरे के 2 गुने से 3 अधिक है तो तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट ये है, सेकंड और ये रहा थर्ड आप लोगों के सामने। ठीक, तो कह क्या रहा है कि पहले को हम क्या मान लेते हैं, क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें क्रमागत मानना, तो पहले को हम एक्स मान लेंगे, विषम वो भी, दूसरे को एक्स प्लस 2 मानेंगे, तीसरे को x प्लस 4 मानेंगे, क्योंकि क्रमागत विषम पूर्णांकों को हम लोग ऐसे क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए कह रहा है कि पहले 3 तो 3x हो जाएगा इक्वल्स टू तीसरे के 2 गुने से, तीसरा कितना है x प्लस 4 है, उसका 2 गुना 2 इंटू x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना अधिक है, 3 अधिक है, प्लस 3 कर देंगे, कितना कर देंगे, प्लस 3 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा, ये 3x, ये क्या हो जाएगा 3x, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा तो बचेगा x इक्वल्स टू, ओ सॉरी यहाँ 81 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये हो जाएगा x इक्वल टू हमारा कितना होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, कितना होगा, x इक्वल टू 11 हो जाएगा, 8 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा, तीसरा पूर्णांक पूछा, तीसरा पूर्णांक आपका क्या था, x प्लस 4 था, तो उसमें आप पुट कर दीजिए वैल्यू, x प्लस 4 इक्वल टू 15 हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलें आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, देखिए क्या कह रहा है, नीचे दी गई संख्याओं में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय संख्या है, मतलब कौन सी संख्या इसमें से किसी का क्या है, वर्गमूल है। सीधा समझने का तरीका ये समझिए। ठीक है, तो इसमें 576 आप लोगों को याद होगा किसी का वर्ग है, किसका है, 24 का है। ठीक है, तो 24 का है, बस आंसर यही हो जाएगा। अगर आपको वर्ग याद होंगे सारे तो आप आराम से क्या कर ले जाएंगे ऐसे क्वेश्चनों को, वर्ग हैं आपको कम से कम 20 से 25 तक आपको क्या होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए। आइए कुछ हम लोग वर्ग को क्या करते हैं, देखते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, तो 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, फिर इधर देख लीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है, और उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। ठीक, और 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ठीक है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। ठीक है, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए, 15 का स्क्वायर तो 225 होता है। ठीक है, और कितना होता है, 16 का स्क्वायर 156 होता है। बाकी आगे आप 17 का भी देख सकते हैं, 18 का भी देख सकते हैं, 19 का, 20 का, 21 का आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेस नहीं इसलिए मैंने इतना करा दिया। आइए और वही क्रम देख लेते हैं, इसको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या होगा, बताइए सही आरोही क्रम क्या होगा इसका, आप खुद बताइए इसका सही आरोही क्रम क्या होगा। 3/4, 7/24, 2/3 को हम लोग क्या करना, आरोही क्रम, इसको आप डिवाइड करके यहाँ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें अगर आप करेंगे तो सबसे, इसमें सबसे छोटा क्या होगा, 2/3 होगा, फिर 17/24 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3/4 होगा। आइए हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करके भी आपको बता देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या आता है, अगर आप जो है किसको 3/2 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। पहले 3/4 को देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.667 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 17/24 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए। 17/24 को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 0.708 आ जाएगा, 0.708 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, तो सबसे बड़ा हमारा 3/4 है, उसके बाद कौन है, 17/24 है, सबसे छोटा कौन है, 2/3 है। तो सबसे हमको क्या करना, आरोही क्रम, तो सबसे छोटा उससे सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। ठीक,
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है, फटाफट देखते हैं हम लोग जो है, ठीक, ज़्यादा आपका समय मुझे वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन को हम लोग फटाफट। दो भिन्नों के बीच का अंतर कितना है? 5/6। इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी होगी बताइए। तो मान लेते हैं भिन्न क्या है, एक्स है, इसका अंत 3/4 का अंतर 5/6 है, कैलकुलेट कर दीजिए आराम से निकल जाएगा। एक्स इक्वल टू इधर आएगा तो 5/6 माइनस 3/+3/4 हो जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है, टोटल जोड़ेंगे तो 38/24 आ जाएगा। दो से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19/12 आ जाएगा, ठीक है, 19/12 हमारा आंसर है, एससी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य है। आराम से इसे क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन को किया करिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, 3000 से बड़ी सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जिसे 4, 7 और 11, 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3, 6 और 9 बचे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे, 7 में से 6 को घटाएंगे, 10 में से 9 को घटाएंगे, प्रत्येक दशा में जो उसका आएगा शेष कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। फिर आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, 4, 7, 10 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए हम इन सभी प्रोसेस को क्या करते हैं, आपको करके दिखाते हैं कैसे कैसे सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है, चलिए करते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 4 में से क्या करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हम कैलकुल आइए करते हैं, ठीक, देखिए 4 में से -3 करिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब आप क्या करेंगे, 7 में से -6 करेंगे तो 1 आएगा, 10 में से -9 करेंगे तो 1 आएगा, प्रत्येक दशा में क्या आ रहा, 1 आ रहा, प्रत्येक दशा में क्या आ रहा, 1 आ रहा। आप क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे किसका, 4, 7 का और 10 का, एलसीएम 4, 7, 10 का एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, 2 से करिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में 2 का करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में 7 का 70, 70 में 2 का 140 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, 140 प्लस के माइनस 1 कर देते हैं, क्या करते हैं, 140 प्लस के माइनस, प्लस के करेंगे या इनटू करेंगे बताइए, 140 के, क्योंकि 1 को क्या करना है, शेष बचना 1 प्रत्येक दशा में, तो इनटू के कर देंगे, अब माइनस 1 कर देंगे, क्योंकि प्रत्येक दशा में शेष क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। के की वैल्यू आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रखिए, तो कौन सी ऐसी संख्या पुट करेंगे के की जगह पे कि वह संख्या जो क्या हो जाएगी, जो 3000 से बड़ी रहेगी लेकिन सबसे छोटी रहेगी, जो क्या कर लेगी, प्रत्येक दशा में 3, 6, 9 शेष बचेगा। तो अगर आप 22 पुट कर देंगे तो आ जाएगा 3789 माइनस करने पे, ठीक, 3080 तो आएगा लेकिन ये 3089 क्योंकि 1 माइनस हो जाएगा, यही क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, ठीक, चलें आगे चलें। क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 14:9 और उनका माशा 15 है, इन संख्याओं का लसा क्या हो जाएगा, हमसे लसा पूछा है। अगर हमको अनुपात दिया है और माशा दिया है, अनुपात में अगर हम माशा मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है बताइए, तो हमें संख्या। तो इसी तरह फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएफ, फार्मूला आप बचपन में बहुत पढ़े होंगे, दबा के पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपको पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके माशा से 14 में 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पहली संख्या निकल गई, इंटू 9 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी संख्या निकल जाएगी, ठीक, यहां तक हो जाएगा। अब माशा हमको दिया ही है, 15 इंटू एलसीएम कर दीजिए, 1/15 से 1/15 कट जाएगा, 1/15 से 1/15 कट जाएगा और यहां से आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। 9, 15, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9, 15 और 14 को मल्टीप्लाई करिए, फटाफट बताइए कमेंट में बताइए कितना आएगा, 14, 15 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1890, कितना आ जाएगा, 1890 मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, अब मैं इसको नहीं करूँगा मल्टीप्लाई, आप खुद करिए मल्टीप्लाई क्या होगा, चलिए बताइए फटाफट। तो ये पार्ट इसका सत्य हो जाएगा। आइए 7th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7th क्या कहता है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 60%, मतलब 60 में जो छात्र हैं टोटल 100% का मतलब क्या, तो 60 के बराबर कर दीजिए, यहाँ से या तो कर दीजिए, ठीक है, 100% इक्वल्स टू 60, क्योंकि क्या है 60 ही छात्र हैं, इन 100% में से 60% छात्र क्या कर रहे हैं बताइए, क्या कर रहे हैं,
छात्र जो क्या कर रहे हैं, जो छात्र हैं वो लड़के मतलब बॉयज हैं, यदि इसमें से 25% मतलब जो 40 बचे हो तो लड़कियां हो गई, ठीक है, 100 में से 60 बॉयज हो गए और 40 क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, 40 क्या हो गई, गर्ल्स हुई, जो बचे से 140 तो गर्ल्स ही होंगी, इतना समझ में आया। इस 40 में से 25% क्या करती हैं, साइकिल चलाती हैं, तो जो 75% है वो बिना साइकिल चलाती हैं, उन्हीं की हमसे जो साइकिल नहीं चलाती उन्हीं की क्या पूछा, संख्या पूछा है, ठीक है। तो आराम से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ से आप 40 का जो है 25% निकाल लीजिए, 40 का क्या कर लीजिए 25% कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 14 हम चल 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा, 10% इधर आ जाएगा, तो उस साइड बचेगा कौन, जो साइकिल नहीं चलाती वो, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, उनकी संख्या हो जाएगी 30%, इस 40 का 30%, ठीक है, शेष जो बचेंगी 30%, ठीक है। तो उसी 30% का आपको मान निकालना है, ठीक है, उसी 30% का आपको क्या करना है, मान निकाल, 100% बराबर 60 के है, 100% बराबर 60 है, तो 1% बराबर 60 बटे में 100 हो जाएगा, होगा, हमको 30% की वैल्यू निकालना है, इनटू 30 कर दीजिए, इनटू क्या कर दीजिए, 30 कर दीजिए, मैं एक ही साथ सब कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो इससे से कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना, आ जाएगा 3 × 6 = 18, आपका आंसर आ जाएगा, यही हमारा 18 क्या आ जाएगा, आंसर। थोड़ी सी आपको समझ में चीज़ें नहीं आई होंगी क्योंकि थोड़ा सा पेचीदा टाइप में क्वेश्चन है, परसेंटेज में है, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ, ठीक। चलिए एक बार पुनः इस क्वेश्चन को बताता हूँ ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। 100% इक्वल टू 60%, ये तो 60 छात्रों के, 1% बराबर क्या आ जाएगा, 60/100, ठीक है, तो 100% को हमको पहले 100% में 60% क्या है, बॉयज हैं, ये तो पता है ये आपको, और इसमें से 40% क्या जो बचेगा वो गर्ल्स ही होंगी, ठीक है, 40% क्या हो गई, गर्ल्स हो गई, ठीक है। इस 40% में आपको जो है, इस 40% में 25% जो साइकिल द्वारा स्कूल जाती हैं, इसका जो 40% में 25% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, और इसका 75% जो शेष बच रहा है, तो आप कैलकुलेट कर लिए, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 25 × 100 और 10% इधर से आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, उधर देखिए क्या आ जाएगा, आराम से 30% आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, उस साइड हमारा कैलकुलेट करेंगे आप, 25 × 75, 25 × 100, ठीक है, 10 × 40, 10 × 30, 30% आ जाएगा। आप 1% का मान निकाल चुके हैं, 30% का आपको मान निकालना है, फर्स्ट इक्वेशन जो ऊपर दिए उसमें पुट कर दीजिए, आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा 6 × 18। अब इतना आराम से इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दिया, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, ठीक है, आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 8 चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 250 ग्राम का ऐसा बिलियन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी, आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा कितने ग्राम में पूछा था, 5% है, तो इसको निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, कैंसिल, 0 से 0 चला जाएगा, अब 125 बटे में 10, तो 12.5 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक, यही इतना आसान क्वेश्चन था, बताइए, कुछ नहीं, ग्लूकोज की मात्रा परसेंटेज में दी है और ग्राम में पूछा है, और 250 ग्राम का क्या है, पूरा बिलियन है, इसमें ग्लूकोज 95% है, ठीक है, 95% क्या ग्लूकोज, तो ग्लूकोज आवश्यक मात्रा उसमें कितनी वही पूछा है, तो 12.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है, चलें आगे चलें, समझ में आ गया ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे आप, 18% हानि और 17% लाभ के बीच अंतर, बहुत आसान क्वेश्चन, 18% हानि होने का मतलब 100 में से 18 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए फटाफट, 100 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 82 आ जाएगा, 82% आ जाएगा हानि पे, और 17% का लाभ हो रहा था, 117 कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, 117% आ जाएगा, ठीक है, लाभ हो रहा है तो जुड़ जाएगा, अब इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 35% आ जाएगा, अंतर देखिए करिए दोनों का, तो यही अंतर हमारा किसके बराबर है, 63 के बराबर है, इन दोनों का अंतर कितने के बराबर, 35 के बराबर, 35% के बराबर, तो 35% इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 63 के, तो 100% बराबर 63/35 × 100, ठीक, इसे 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 5 से काटेंगे, 5 × 2 = 10, तो 20 आ जाएगा, 20 में 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 2 = 18, यानी 180 हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आंसर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, इतनी शार्ट ट्रिक और तरीके से कोई नहीं बताएगा, ठीक है, इतना आराम से आप सारे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, ठीक है, तो वीडियो को आप लोग धमाकेदार तरीके से अपने दोस्त यार मित्र फ्रेंड जहाँ जहाँ भी हो वहाँ शेयर करिए, क्योंकि आपको धमाकेदार दम क्लास मिलती है और प्रोवाइड भी की जाती है, तो थोड़ा सा सपोर्ट तो अब बनता ही आप लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 80 अंकित मूल्य वाली एक
वस्तु को 68 में बेच दिया जाता है तो छूट की दर बहुत आसान है। एमपी कितना दिया है यहाँ पे, एमपी एमपी का मतलब मार्क प्राइस होता है, ठीक है। यह हमारा कितना 80 दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है, मतलब जिसमें बेचा जाता है 68 दिया है तो कितने की छूट दे रहे हैं बताइए। छूट परसेंटेज बराबर होता है, छूट परसेंटेज बराबर होता है एमपी माइनस एसपी अपान एमपी इंटू 100, यही फार्मूला होता। वैल्यू पुट करेंगे आप जो 80 में से 68 को घटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 12 और नीचे 80, ठीक है, इंटू 100 आप कैलकुलेट करेंगे किससे कट जाएगा, 0 से 0, 4 3 4 5 2 10 और ये जाएगा 4 आ जाएगा, 4 3 12 अर्थात 15% आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद करिए जो, ठीक है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा एक एक बच्चे को, तो 15% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके प्राइमरी लेवल में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों आप लोग होमवर्क में है, आप इसको करके जरूर दिखाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी, 12 भी थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, 12 भी करेंगे, ठीक है। चलिए दोनों होमवर्क में करके जरूर कमेंट में, और कल हम जरूर क्लास लेंगे आगे जो क्वेश्चन है, ठीक है, 15-16 क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग के क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो हमारी सुबह क्लास कौन सी चलती है, मैथ जीके जीएस प्लस यूपी बिहार स्पेशल की भी क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें भी आपको पर डे क्लासेस मिलेंगी और प्लस रीजनिंग की, ठीक है। तो वीडियो को धमाकेदार तरीके से शेयर करिए, सपोर्ट करिए। जय हिंद।